ये कहानी पांच ऐसे दोस्तों के ऊपर आधारित है जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए एक सुनसान आइलैंड पे जाते हैं, लेकिन जो सोच के वो लोग उस आइलैंड पे गए थे वहाँ उनका बिल्कुल अपोजिट होता है और शायद ये छुट्टियां उनकी जिंदगी की आखिरी छुट्टी होती है और वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है द ब्रिड और ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो कपल को देखते हैं जो एक आइलैंड पे जा रहे थे। आइलैंड के पास पहुँचते ही वो लड़की एक्साइट में जंगल के अंदर चली जाती है और उसका हस्बैंड बोट को पार्क करने लगता है। तभी उस लड़की को आसपास किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती कोई उसे घसीट के उसे अपने साथ ले जाता है। तभी सीन स्विच होता है और हम प्लेन के अंदर कुछ हरामी बच्चों को देखते हैं और उन बच्चों का नाम मेट, नोहा, सारा, निकी और मेट का भाई जॉन भी था और ये सब भी मिलके उसी आइलैंड पे जा रहे थे और वो आइलैंड जॉन के अंकल का था और उसके अंकल की डेथ हाल ही में हो गई थी। आइलैंड पे पहुंचने के बाद ये लोग मौज मस्ती और खाना पीना शुरू कर देते हैं और वहाँ जॉन और मेट को उसके अंकल की कार भी मिलती है। दिन में केविन के पास सारा को एक काला कुत्ते का बच्चा मिलता है और उसकी मासूमियत देख के वो उसे अपने पास रख लेती है। रात में नोहा ड्रिंक लाने के लिए कमरे में जाता है और उसके पीछे वो कुत्ते का बच्चा भी जाता है। तब नोहा उससे कहता है कि मुझे बिल्लियाँ ज्यादा पसंद है, जिस पे वो पिल्ला उसे गुस्से में घूरने लगता है जैसे उसे बातों का बुरा लग रहा हो। थोड़ी देर बाद वो कुत्ते का बच्चा बाहर भाग जाता है और उसे पकड़ने के लिए सारा भी उसके पीछे जाती है। बाहर जाने के बाद सारा को एक बड़ा कुत्ता दिखता है और वो कुत्ता सारा पे अटैक कर देता है। तब जॉन वहाँ के उस कुत्ते को भगाता है, लेकिन उससे पहले उस कुत्ते ने सारा को काट लिया था। वहाँ सब लोगों को बस यही लग रहा था कि जंगल में होने की वजह से ये सारे जंगली कुत्ते हैं जो अपने पिल्ले को बचाने के लिए यहाँ आए हुए थे। अगले दिन जॉन, मेट, नोहा तीनों एक साथ शिकार के लिए जाते हैं, लेकिन निकी और सारा केबिन में अकेले रह जाते हैं। जंगल में नोहा को चारों तरफ से जंगली कुत्ते घेर लेते हैं क्योंकि मेट और जॉन उससे काफी दूर थे। डर के मारे नोहा वहाँ चिल्लाने लगता है और वो भागते हुए डर के मारे मेट और जॉन के पास पहुंचता है और वहाँ पहुंचने के बाद वो कुत्तों के बारे में बताता है। दूसरी तरफ सारा और निकी भी पानी में नहाने के लिए चले जाते हैं। नोहा उन दोनों को कुत्तों के बारे में बता ही रहा होता है तभी वहाँ एक आदमी खून से लथपथ वहाँ पहुंच जाता है और ये वही आदमी है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। वो इन तीनों से बोलता है कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे और कोई रहे और तुम लोगों की भी भलाई इसी में है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इतना बोलते ही एक जंगली कुत्ता उस आदमी पे हमला कर देता है और दो तीन कुत्ते मिलके उसे वहीं पे जिंदा खा जाते हैं। इसके बाद ये तीनों भी निकी और सारा को लेके केबिन की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि अब वो कुत्ते इनके भी पीछे पड़ चुके थे। गेट पे एक जंगली कुत्ता निकी के पैर को पकड़ लेता है जिस पे जॉन उसे बचाने के लिए तीर से उस पे हमला करता है, लेकिन वो कुत्ता बहुत ज्यादा तेज था जिसकी वजह से वो साइड हो जाता है और वो तीर सीधा निकी के पैर में जाके घुस जाता है और अंदर जाने के बाद ये लोग किसी तरह निकी के पैर में से वो तीर बाहर निकालते हैं, जिसके बाद नोहा गुस्से में वहाँ चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से केबिन के अंदर एक कुत्ता अंदर घुस जाता है और वो नोहा पे हमला कर देता है, लेकिन मैट और जॉन उस कुत्ते को मार देते हैं। उसके बाद ये लोग आपस में फैसला करते हैं कि ये लोग यहाँ से निकल के वापस चले जाएंगे, लेकिन तभी इन्हें अचानक से पता चलता है कि जंगल के कुत्ते कुत्ते नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट हैं और उन कुत्तों ने मिलकर इनकी प्लेन की रस्सी को अच्छी तरीके से काट दिया था। ये लोग बोट से प्लेन के पास जाते हैं जहाँ जॉन पानी में कूद के प्लेन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो कुत्ते जॉन के पीछे पड़ जाते हैं और उन कुत्तों ने प्लेन को हाईजेक कर लिया था। मतलब कुत्ते एक नंबर के बदमाश थे और वो कुत्ते प्लेन पे ऐसे बैठे हुए थे जैसे ये आइलैंड उनके बाप का हो। इसके बाद ये लोग केबिन में वापस आके कार तक जाने का जुगाड़ लगाने लगते हैं और जिस ट्रेनिंग कंपाउंड में वो गाड़ी खड़ी थी वो इनके केबिन से थोड़ी ही दूर पे था। निकी रस्सी से लटक के किसी तरह वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और तभी वहाँ अचानक से कुत्तों का ढेर निकी को कुत्ता डांस करवाने के लिए पहुँच जाता है, लेकिन निकी किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है। ये कुत्ते दिन भर उन लोगों की बैंड बजाते हैं और रात होने पे माहौल थोड़ा शांत रहता है, लेकिन तभी अचानक से रात में केबिन की बिजली चली जाती है और नोहा हीरो बनने के चक्कर में अकेले बेसमेंट में चला जाता है। लेकिन इस बार नोहा की किस्मत उसका साथ नहीं देती और बेसमेंट में वो कुत्ते उसे जान से मार देते हैं। नोहा की चीख सुन के जॉन और मेट भी उसे बचाने के लिए बेसमेंट में जाते हैं, लेकिन नोहा को मरा हुआ देख के ये लोग केबिन के छत पे चले जाते हैं, लेकिन अब कुत्तों ने मिलकर केबिन पे भी हमला बोल दिया था। तभी इन लोगों को पता चलता है कि ये आइलैंड पहले आर्मी वालों का था, लेकिन वो लोग किसी वजह से यहाँ से चले गए, लेकिन कुत्तों ने यहाँ पे किराए पे रहने का फैसला किया। अगले दिन मेट और जॉन कार लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ मेट के पीछे फिर से कुत्ते पड़ जाते हैं। केबिन पहुँचने पे निकी उससे बोलती है कि सारा हमारे साथ नहीं जाना चाहती और वो केबिन के अंदर ही है, जिसके बाद जॉन सारा को लाने के लिए केबिन के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ सारा का बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल चुका था और वो कुछ कुछ कुत्तों जैसी हरकतें करने लगी थी। तभी अचानक से वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और वो जॉन और
सारा को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जॉन वहाँ से जाते वक्त कैबिन के बाहर गिर जाता है और दूसरी तरफ सारा भी एक कुत्ते को लेके बाहर लगे एक झूले के ऊपर गिर जाती है, जिसके वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। और ये सब देखने के बाद ये तीनों सीधा कंपाउंड के पास जाते हैं जहाँ पर जालियां लगी थी। वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें पता चलता है कि कंपाउंड में पावर सप्लाई नहीं है, जिसके वजह से ये लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन नहीं कर सकते। जिसके बाद जॉन खंबे पे चढ़ के पावर सप्लाई को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ एक शॉर्ट सर्किट होता है जिसके वजह से जॉन को करंट लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। और जॉन को चारों तरफ से कुत्ते घेर लेते हैं और वो कुत्ते जॉन को काटने लगते हैं। ये देखकर मेट वहाँ आता है और वो कुत्तों पे हमला कर देता है और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कंपाउंड में भी आग लग चुकी थी। और मेट और जॉन को लगता है कि शायद निकी मर चुकी है, लेकिन तभी वो वहाँ वापस आती है, जिसके बाद ये तीनों कार लेके सीधा लेक के पास जाते हैं और वहाँ से बोट लेके आइलैंड से निकल जाते हैं। बोट पे पहुँचने के बाद ये लोग थोड़ा चैन की सांस लेते हैं, लेकिन इनकी मुसीबत अभी भी टली नहीं थी। जॉन जैसे ही बोट का दरवाजा खोलता है तो उन्हें वहाँ एक और जंगली कुत्ता मिलता है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 82% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।